तो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या गिवन है कि अ लायन ईटिंग अ डियर एंड अ स्पैरो फीडिंग ऑन ग्रेन्स आर इकोलॉजिकली सिमिलर इन बीइंग कंज्यूमर्स ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है क्योंकि हमें पता है कि जो लायन होता है वो अगर फीड करे एक डियर पे जो कि इन किस पे फीड करता है प्लांट्स पर ठीक है और दूसरे केस में हम बात करें एक स्पैरो की वो अगर फीड करे ग्रेन्स पर ठीक है और ग्रेन्स हमें पता है खुद एक प्रोड्यूसर है तो इस केस में इन दोनों ही केसेस में जो लायन और जो स्पैरो है वो क्या हुए कंज्यूमर्स क्योंकि वो किससे अपने आप को फीड कर रहे हैं थ्रू ऑटोट्रोप्स या फिर प्रोड्यूसर्स स्पैरो वाले केस में जो ग्रीन्स है वो प्रोड्यूसर है और लायन वाले केस में जो प्लांट्स है वो प्रोड्यूसर है तो इन दोनों ही केसेस में यानी लायन और जो स्पैरो है वो दोनों ही इकोलॉजिकली सिमिलर है क्योंकि वो दोनों क्या है कंज्यूमर्स ठीक है तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है ट्रू नेक्स्ट स्टेटमेंट में ये गिवन है कि प्रोडेटर फिश

क्या होता है ये जो फिश होती है ये किसमें हेल्प करती है ये हेल्प करती है जो लोकल डायवर्सिटी है उसको मेंटेन करने में तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये मेंटेन करती है किसको लोकल डाइवर्सिटी लोकल डाइवर्सिटी किसकी स्पीशीज की ठीक है हम यहाँ लिख देंगे लोकल डायवर्सिटी ऑफ स्पीशीज ठीक है तो जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है जो कि ये कह रहा है कि प्रीडेटर फिश पिसेस्टर हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी ऑफ सम इनवर्टिब्रेट्स ये ट्रू है क्योंकि हमने अभी भी बात की कि जो पिसेस्टर फिश होती है वो क्या मेंटेन करती है वो लोकल डाइवर्सिटी मेंटेन करती है इन स्पीशीज की या जिसका एग्जाम्पल हमने यहाँ लिया मोलस और मोलस क्या है इनवर्टिब्रेट इन शॉर्ट पिसेस्टर जो है वो स्पीशीज डाइवर्सिटी मेंटेन करती है इनवर्टिप्रेट की ठीक है तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट क्या हो गया अल्टीमेटली ट्रू नेक्स्ट स्टेटमेंट हम देखें तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में गिवन है कि अल्टीमेटली लीड टू द एक्सटेंशन ऑफ प्रे स्पीशीज ये स्टेटमेंट क्या है फॉल्स क्योंकि हमें पता है नेचर के अपने लॉज होते हैं और जो प्रिडेटर्स हैं वो किसमें हेल्प करते हैं वो मेंटेन करके रखते हैं लेवल मेंटेन करके रखते हैं किसका लेवल प्रे का यानी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जो हमारा लायन है वो फीड करता है डियर पर तो अगर हम एक बार को इमेजिन करें कि अगर जो लायन है वो डियर पे फीड नहीं करेगा वो डियर पे प्रे नहीं करेगा तो डियर की मात्रा क्या होगी नेचर में बहुत ही ज्यादा हो जाएगी तो इस एग्जाम्पल से हम पता लगा सकते हैं कि जो लायन या जो प्रिडेटर है वो हेल्प करता है प्रे की जो लेवल होते हैं नेचर के अंदर उसको बैलेंस रखने में तो हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है जो कि ये कह रहा है कि प्रिडेटर्स अल्टीमेटली लीड टू द एक्सटेंशन ऑफ प्रे स्पीशीज वो फॉल्स है नेक्स्ट स्टेटमेंट हम देखें तो उसमें यह गिवन है कि प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स सच एज निकोटीन एंड स्त्राइक्न बाय द प्लांट्स आर मेटाबोलिक डिसऑर्डर्स ये जो स्टेटमेंट है फॉल्स है क्योंकि हमें पता है कि जो निकोटीन होता है वो एक एल्कलॉइड है ठीक है सॉरी हम यहाँ लिख देंगे निकोटीन निकोटीन क्या होता है एक एल्कलॉइड और वो एक प्लांट प्रोडक्ट है ठीक है वैसे ही अगर हम बात करें स्ट्राइकनीन की तो वो भी क्या है एक प्लांट प्रोडक्ट तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा फोर्थ स्टेटमेंट है वो फॉल्स होता है क्योंकि उसमें ये गिवन है कि जो निकोटीन और स्ट्राइकनीन है वो क्या है प्लांट के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है जो कि फॉल्स है क्योंकि वो प्लांट की क्या है प्रोडक्ट्स हैं तो अगर हम देखें तो ओवरऑल हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकेंड ट्रू है तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन डी यानी फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकेंड स्टेटमेंट क्या है ट्रू हमारा आंसर क्या होता है ऑप्शन डी क्लास सिक्स टू ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऑप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर